दोस्तों सभी बॉडी पार्ट्स का एक सैंपल वर्कआउट प्लान इन वीडियोज में मैंने दिया है। बस आपने जो नोट करना है, एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन कैसे है, आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी हाई रहे, आपका रैप रेंज 8 से 12 के बीच रहे, आप कंप्लीट मसल फेलियर तक जाएं और आपका रेस्ट टाइम 2 मिनट से ज़्यादा ना हो किसी भी एक्सरसाइज में। तो ये सभी बॉडी पार्ट्स का प्लान नेक्स्ट वीडियोज में आप देखें, नोट करें। आज संडे है, इसको अपने दिमाग में फीड करें और कल से आप इन वर्कआउट्स को एंजॉय करना शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल के एथलीट हैं, बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, आप सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियोज हैं। थैंक यू। बैक का वर्कआउट आप सबके लिए, मेंस फिजिक एथलीट हैं आप, क्लास फिजिक हैं, बॉडी बिल्डर, आपकी बॉडी को वी शेप देने के लिए तो बैक में थिकनेस और विड्थ दोनों बहुत जरूरी हैं। तो ये वर्कआउट प्लान उसी के लिए है, ज्यादातर कंपाउंड मूवमेंट्स है। तो इसको आप 8 से 12 वीक फॉलो करें, वही 4 पॉइंट्स है, आपकी इंटेंसिटी, आपका एग्जीक्यूशन, आपका रेस्ट टाइम और आपका मसल फेलियर तक जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंजॉय करें बैक का वर्कआउट। थैंक यू दोस्तों। ये लेग्स का एक सैंपल वर्कआउट आपके लिए, लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टेज पे आके खड़े होते हैं सबसे पहले हिट करते हैं, जजेस की आईज को कैच करता है, तो वही है, एग्जीक्यूशन सही हो सभी एक्सरसाइज का, वीडियो में देख के आप समझ जाएंगे। मसल फेलियर तक जाना है, इंटेंसिटी हाई रखना है, रेस्ट टाइम 2 मिनट से ज्यादा नहीं जाने देना है। थैंक यू। चेस्ट का वर्कआउट है, आप इसको फ्लैट बेंच से भी शुरू कर सकते हैं, इंक्लाइन से भी शुरू कर सकते हैं, जैसा आपका वीक एरिया उसके अकॉर्डिंग, और वही 5 से 6 एक्सरसाइज हो सकती है। इंपॉर्टेंट भी है और आपका फेवरेट भी है वर्ल्ड वाइड। हालांकि गेम में कोई एक बॉडी पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सभी बॉडी पार्ट्स को बराबर लेके चलते हैं, लेकिन चेस्ट के लिए वर्कआउट दिखाया है, हाई इंटेंसिटी के साथ करें, 4 सेट 8 से 12 रेप सभी एक्सरसाइज में। और ट्रेनिंग इंटेंसिटी में बार बार बोलता हूँ, ट्रेनिंग इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है, रेस्ट टाइम को 2 मिनट से ऊपर नहीं जाने देना है। थैंक यू दोस्तों। शोल्डर्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, खासतौर से मेंस फिजिक में तो शोल्डर और वेस्ट का रेशियो ही सबसे ज्यादा मैटर करता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग क्लास फिजिक में भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके शोल्डर के सभी तीनों हेड डेवलप हों, इसके लिए हर वर्कआउट में आपने तीनों पे काम करना है। जितना भी ओवर हेड प्रेस है वो आपके ओवरऑल शोल्डर पे इफेक्ट डालता है। फिर फ्रंट साइड रियर डेल्ट के लिए हम अलग अलग वेरिएशन इंक्लूड करते हैं, जैसे आप वीडियो में देख भी रहे हैं। और एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज अपने ट्रैप्स के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपका शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। इंटेंसिटी हमेशा मैं बोलता हूँ हाई रखना है, रेस्ट टाइम 2 मिनट, प्रॉपर एग्जीक्यूशन और मसल फेलियर तक जाना है। थैंक यू। तो बाइसेप छोटा मसल है, इसकी 3 एक्सरसाइज भी आप करेंगे ना अगर बैक के साथ तो वो काफी है। मैं तो बोलता हूँ अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी करते हैं तो 2 एक्सरसाइज भी काम कर जाएंगे, लेकिन चलो आप 3 करें तो तब भी ठीक है। 4 सेट 8 से 12 रेप हैवी लोड के साथ करना है आपने, और मोमेंट सही रखना है, मोमेंट ज्यादा हिल डुल के नहीं उठाना, अपने बाइसेप्स से वर्क करना है, पूरी बॉडी से नहीं। थैंक यू। बाइसेप भी छोटा मसल है, इसके तीनों हेड पे काम करने के लिए एक जो बेस्ट एक्सरसाइज मैंने बताया, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, जो पूरे आपके ओवरऑल ट्राइसेप पे काम करेगी। इसके साथ आप पुल्ली पुश डाउन या जो भी वीडियो मैंने एक्सरसाइज दिखाई है, 3 या 4 एक्सरसाइज आपका इंटेंसिटी बहुत हाई से 3 भी काम कर जाएंगी। थोड़ा सा आप अभी उतने इंटेंस वर्कआउट पे नहीं है तो 4 एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, 4 सेट 8 से 12 रेप, और छोटा मसल है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना, आप चेस्ट के साथ करेंगे तो 3 या 4 एक्सरसाइज काफी है इसके लिए। थैंक यू दोस्तों। फोर आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पोज में एक्सपोज होता है, आप बाइसेप ट्राइसेप बना लेते हैं लेकिन फोर आर्म्स वीक रह जाता है, ये बड़ा गलत है, तो इसको भी उतना ही अटेंशन दे आप जितना आप बाइसेप ट्राइसेप को देते हैं। 4 एक्सरसाइज जो मैंने इसमें दिखाया, आप 3 भी करेंगे तो काफी है, इंटेंसिटी हाई रहेगी, रेस्ट टाइम 1 से 1.5 मिनट चलेगा, इसमें जल्दी रिकवर करता है, लेकिन आप इसको अपने बाइसेप के साथ ही ट्रेन करें या बैक के साथ करें तो बेस्ट है। 3 एक्सरसाइज भी करेंगे काफी, जो वीडियो में दिखाया। थैंक यू दोस्तों। काफ के लिए ज्यादा वेरिएशन जिमों में, छोटे जिमों में नहीं मिलते हैं, तो आप 2 एक्सरसाइज पकड़ लें जो थ्रू आउट द कैरियर आपकी काफ पे काम करेगा। एक तो स्टैंडिंग काफ रेज, आपने 2 सेट पैरेलल फीट रख के अपने पैरों को पैरेलल रख के लगाने हैं, 2 सेट टोज आउट और 2 सेट टोज इन करके, ये 6 सेट हो जाएंगे। रेपिटेशन इसमें ज्यादा रखें आप, 16 से 20 रैप रखें, हैवी लोड रखें और 6 सेट ये लगा लें, 6 सेट 5 से 6 सेट डंकी काफ रेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके जिम में जो सबसे हैवी बॉडी वेट का आपको दिखाई दे ना जो पर्सन, उसको आप बैठाएं, जितना लोड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका काफ ग्रो करेगा, लेकिन रेपिटेशन भी आपके 15 से 20 आने चाहिए। तो ये 6 सेट इन 2 एक्सरसाइज में लगाएंगे काफी है काफ के लिए। आप थाइज के साथ इसको ट्रेन करें और आपका काफ, आपका आर्म्स करीब करीब सेम साइज होना चाहिए। थैंक यू। तो सभी बॉडी पार्ट्स पे बात होगी, वीडियोस आपने देख ली है, अब रह गया एब्डोमिन। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें हम एक्सरसाइज भी बताएंगे, मिड सेक्शन, ओब्लिक्स और कंप्लीट आपका जो कोर एरिया है इसमें बात करेंगे, वो वीडियो सेपरेट डालेंगे। अभी आप संडे है आज, इन सभी वीडियोज को देखें, एग्जीक्यूशन देखें, इनका पोस्चर देखें, टेक्निक
और मंडे से आप इस वर्कआउट को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।